दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब जैसे अमीर कंट्री में जाकर करोड़ों रुपए कमा के अपनी पूरी ज़िंदगी को सेटल करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, हर कोई अपने भारत देश से कहीं और जाकर कमा कर अपनी ज़िंदगी को सेटल करने की इच्छा रखता है। दोस्तों, जो लोग भी भारत देश में रहकर अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और किसको ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश महान है और पूरी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत है, वो कमेंट में आके जय हिंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर सऊदी अरब जैसे अमीर देश में कौन से ऐसे कानून हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा करते हैं वहाँ के लोगों के साथ साथ वहाँ पर गए हुए उन लोगों को, जो कि बहुत ही जल्द बहुत सारा पैसा कमाकर अपनी पूरी ज़िंदगी को सेटल करना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो की ओर बढ़ते हैं और बिना आपका टाइम वेस्ट के ये बताते हैं कि आखिर सऊदी अरब के कौन से ऐसे कानून हैं जो कि वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा कर देते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना बिना डिसलाइक किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला कानून, वहाँ पर लड़कियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि वहाँ पर लड़कियाँ कार ड्राइव या फिर बाइक ड्राइव नहीं कर सकती हैं। पर दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ पर इस कानून को अब खारिज कर दिया गया है, यानी कि अब वहाँ की लड़कियाँ बाइक या फिर स्कूटर बड़े ही आराम से चला सकती हैं। दूसरा प्रतिबंध ये लगाया जाता है कि बिना बुरखे या फिर बिना पर्दे के लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर लड़कियां किसी भी पब्लिक प्लेस में जाती हैं तो वहां पर अपने परिवार के किसी एक बड़े सदस्य के साथ ही जा सकती हैं। ऐसा ना करने पर उन लड़कियों को सऊदी अरब के कानून का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, वहां पर बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल है चोरों के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि वहाँ पर अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो या तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा या फिर आपके दोनों हाथों को कटवा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और यही वजह है कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और वहाँ पर दूर दूर तक चोरी का नामो निशान नहीं है। बताया जाता है कि वहाँ के दुकान वाले सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और इसी के साथ वहाँ की दुकानों में जल्दी लॉक भी नहीं लगाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो चोर वाला रूल है वो अपने भारत देश में भी लागू होना चाहिए? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी अपने भारत देश के अलावा किसी और देश से मोहब्बत करते हैं वो कमेंट में आकर उस देश का नाम लिखकर ज़रूर बताइए। और जो लोग भी हमारे भारत देश से ही खुश हैं और उनको सबसे अच्छा अपना भारत देश ही लगता है तो कमेंट में आकर जय हिंद ज़रूर लिखिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।